अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान महरे अली आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ लेट सियालकोट। दुनिया भर में जाने जाने वाला वहद शहर सियालकोट, जहां पे हुनरमंदों की कोई कमी नहीं, वहां पे ही सियालकोट की एक बहादुर बेटी जो ऐसी पेंटिंग करती है कि लोगों को हैरान कर दे, परेशान कर दे। आए उससे पूछते हैं कि उसने ये महारत कहाँ से सीखी, उससे बात करते हैं इस बारे में वो क्या कहती है। क्या नाम है आपका? गुलबशरा जी। गुलबशरा, कब से पेंटिंग कर रही हो आप? मैं तकरीबन 5 साल से। 5 साल से जी। कैसे आपके जहन में ये शौक़ आया पेंटिंग करने का? बचपन से ही शौक़ था, बस अपनी कॉपीज और बुक्स पे कुछ ना कुछ बनाती रहती थी जी। और ज़्यादा मैंने आप ही को देखा, मैंने सोचा कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी, और उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम कर सकती हो, अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। पेंटिंग में आपका उस्ताद कोई नहीं है? नहीं, आप ही मेरे उस्ताद हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के उस्ताद हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे स्कूल्स में कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब एक साथ काम किया है और बहुत कुछ एक दूसरे से ही सीखा है जी। कौन कौन सी पेंटिंग बना लेती हैं आप? पेंटिंग बना तो बहुत सी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा जो है वो ऑयल पेंटिंग, यानी बड़े बड़े करेक्टर्स बनाना वॉल्स पे। ठीक है जी। कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपकी पेंटिंग देख के किसी ने कहा हो कि आप हमारे साथ काम करो, हमारे पास आए, किसी को ऐसी कोई आपको ऑफर हुई हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। कभी किसी ने आपको अप्रिशिएट किया हो? अप्रिशिएट बस स्कूल की हद तक, प्रिंसिपल हैं तो वही अप्रिशिएट कर लेते हैं, बस काम देख के मुझे कह देते हैं बेटा बहुत अच्छा है, ताकि मैं काम करती रहूँ बस ऐसे जी। मतलब इससे आपको फ़ायदा कोई नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे 1.5 साल हो गया, जितनी पे थी उतनी है, मुझे यही कहा कि आपका काम देख के पे बढ़ाएंगे, लेकिन मेरी पे बिल्कुल अभी तक नहीं बढ़ी। ठीक हो गया जी। पेंटिंग के अलावा और क्या करती हैं आप? पेंटिंग के अलावा मैं घर के काम, स्टिचिंग करती हूँ और स्टडी भी कर रही हूँ, बीए की स्टूडेंट हूँ। कितने बहन भाई हैं? 4 बहन भाई हैं, एक आप ही हैं और मुझसे छोटे 2 बहन भाई हैं, भाई सबसे छोटा है जी। हुकूमत से आपको क्या सपोर्ट चाहिए? हुकूमत से मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरी किसी ऐसी जगह जॉब लगवा दें जहाँ लोग मेरे टैलेंट की कदर करें, क्योंकि मेरी अम्मी बीमार हैं और अब्बू जी अब इतना काम नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि अब मैं उनके लिए कुछ करूँ, और हुकूमत से सिर्फ यही दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी किसी अच्छी जगह जॉब लगवा दें जहाँ लोग मेरे टैलेंट की कदर करें और मुझे मेरी मेहनत का मुआवजा मिले। जो फीमेल्स अपने घर बैठी हुई हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? सब फीमेल्स उनको यही मैसेज दूंगी कि वो घर में बर्तन धोने, कपड़े धोने के अलावा भी बहुत से काम कर सकती हैं, बाहर निकलें, मेरी तरह नहीं, मेरे से बेहतर भी काम है और भी बहुत कुछ कर सकती हैं, घर में रह के नहीं सब कुछ कर सकती, यानी ये घर में बर्तन धोना, कपड़े धोना, इनके अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हैं।